अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, माय व्यूवर्स, माय फैमिली, अच्छा इतनी खुशी होती है जब आपके घर में सामान आता है। ज़ाहिर है अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला सबको ये चीज़ मुहैया करे, अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को रोशन रखे। अच्छा, ये मैं सामान लेकर आ गई थी, तो रमज़ान तो शुरू होने वाला है, तो सम टाइम टाइम नहीं मिलता, तो ये मैंने प्लेन पराठास ले लिए थे। और ये बिल्कुल रेडीमेड होते हैं, मतलब इसको सिर्फ गर्म कर लो आप। कभी सम टाइम ये होता है कि बिल्कुल सहरी में टाइम नहीं होता, वैसे तो मैं घर के पराठे बनाती हूँ। और दूसरा ये है, ये मैंने मैंगो के पल्प्स ले लिए थे, क्योंकि अभी मैंगो सही से आए नहीं हैं और मिल्क शेक पीने का बहुत दिल चाहता है। तो 4.5 रियाल का नीचे से छोटा वाला जो है वो मिल्क शेक मिलता है, 4.5 रियाल तकरीबन पाकिस्तानी 200 रुपये, और इतना छोटा सा, तो मतलब महंगा ही हुआ ये। तो फिर मैं ये पल्प ले आई थी, मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ इसका मिल्क शेक, क्योंकि समीर भी ऑफिस से आने वाले हैं, तो अच्छा है वो भी पियेंगे। तो ये मैं इसके अंदर चार इस तरीके से चंग्स हैं, और आप इसको जो है वो अपने क्वांटिटी के लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने ये नगेट्स ले लिए थे, और ये मैंने जो है वो चिकन बर्गर्स के लिए जो है वो कोटेड टिकिया होती हैं वो ले ली थी, या मैंने मोजरेला चीज़ ले ली थी। अब मोजरेला चीज़ जो है इसके मैं पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, मिनी पिज़्ज़ास। और दूसरा ये है कि सैंडविचेस मैंने एक देखे थे आमना के, कुकिंग विद आमना के, तो वो बहुत अच्छे सैंडविचेस बनाए थे, चीज़ी सैंडविचेस, तो वो मैंने सोचा कि मैं रमज़ानों में बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये छोटा मोटा सा मेरा जो है एक ग्रॉसरी थी, जो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि पराठा हम लोग देखते हैं ये कैसा बनता है। गाइज, इस तरीके से इसको रैप अप किया हुआ है। अब इसको आपको डायरेक्टली जो है ना, डायरेक्टली इसके ऊपर ये हटाना है एक, और कड़क कड़क जो है ना उसी को डालना है। अब पता नहीं है मेरे हाथ से होगा या नहीं होगा। चले जी, ये मैंने डाल दिया है, आज मैं ट्रायल कर रही हूँ उसका, ये कैसे बनता है। मैं कहा चलो खा के देखते हैं, सिफान को भी खिलाते हैं। वैसे तो मैं मुझे घर के ही पराठे प्रेफर करती हूँ मैं, और समीर को भी वही अच्छे लगते हैं, लेकिन बस एक ऑफर में लगी हुई थी तो मैंने कहा चलो ये हम ट्राई करते हैं। लॉक बैग है इसके साथ, आप इसको लॉक कर दो तो ये इसकी फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहेगी। अच्छा, ये पराठा बन रहा है बहुत अच्छा, जैसे अफगानी का पराठा होता है ना उस तरीके से बनता है ये। ना तो इस पे घी लगाने की ज़रूरत है और ना कोई और चीज़ करने की ज़रूरत है, सिंपल ये प्रॉपर जो है ना बना हुआ है, बस आप उसको तवे पे रख दें। तो देखिए कितना प्यारा सुनहरी कलर आ गया है, और इतना नरम मुलायम पराठा है, तो इट्स अ गुड थिंग कि कभी दिल ना चाहे पकाने का तो आप रेडीमेड जो है वो पराठे ले लें और साथ में भुजिया बना लें, और या तो जो हलवा पूरी का जो सालन होता है ना आलू वाला वो बना लें, वो भी इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी। कलौंजी वाला जो होता है वो भी ज़्यादातर हम समीर और मैं यही करते हैं, या तो आलू चिकन के कबाब, क्योंकि उससे एसिडिटी नहीं होती, और साथ में या तो वो जो आलू का सालन होता है हलवा पूरी वाला वो, या तो समटाइम हम लोग जो है वो शामी कबाब के साथ कर लेते हैं। तो सालन वालन जो है ना बड़े हैवी हो जाते हैं रमजानों में। सो गाइस, टन टना, मेरे हर खाने के बाद आप लोग टन टना जरूर सुनेंगे। मेरा मजेदार सा क्रिस्पी सा पराठा रेडी, और वो भी पठानों वाला। अब इसके साथ मैं लूंगी कीरी। कीरी क्या होती है वो भी दिखाती हूँ। दिस इज द कीरी, ये जो है वो चीज टाइप की होती है, एक छोटा सा ब्लॉक इसका उठाओ, और इसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट सी कीरी होती है, आप ये खाओ। थोड़ा सा मोटापा करती है, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, समीर को बहुत पसंद है तो मैं समीर को ब्रेकफास्ट में देती हूँ ये। सो ये यहाँ की स्पेशलिटी है, तो मैं या तो चाय के साथ खा लेती हूँ या कैसे भी खा लेती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा जी, तो आज हमारे किचन में क्या पक रहा है, मेरे व्लॉग्स में आपको एक एक रेसिपी अब ज़रूर मिला करेगी, तो मैं भी डिफरेंट जगह से देख के करती रहती हूँ। आजकल मैं फॉलो कर रही हूँ फातिमा फूड डायरीज़ को, बहुत ज़बरदस्त व्लॉगर है, 50,000 सब्सक्राइबर से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हैं, मेरी फ्रेंड भी है। तो ये अचार गोश्त की जो रेसिपी मैंने उससे दी है, वैसे तो मैं सिर्फ टमाटर पीस के इस तरीके से बना लिया करती थी, बड़ा मुझे अच्छा लगा इसमें न्यू तरीके से। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के अचार गोश्त मसाला लिया है, ये रहा 1 टेबल स्पून, और उसके अंदर दही डाल के सिर्फ और सिर्फ उसको मैरिनेशन कर दी है मैंने ना चिकन की, जितनी मुझे लेनी है। अब यहाँ जो है मैं यहाँ तकरीबन इतनी दरमियानी साइज़ की
ये दरमियानी साइज़ की इतनी दो प्याज़े मैंने ले ली हैं, ज़्यादा नहीं वरना मीठा हो जाएगा सालन, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे पतला जो क्रश करके जो है वो मैंने प्याज काट के इसको मैं ब्राउन कर रही हूँ। उसके बाद क्या स्टेप होगा अब आप देखें। अच्छा गाइज़, ये मैरिनेशन मैंने आपको दिखा दी थी, ठीक है। यहाँ जो मैं यहाँ प्याज इस जगह जो मैंने प्याज तली थी इसको मैंने डाल दिया है, और साथ में मैंने इसके अंदर चार अदरक के टुकड़े और चार जवे जो है लहसुन के मैंने इसमें ऐड किए हैं, या तो आप पेस्ट कर लें आपकी मर्ज़ी है। तकरीबन मैंने इतना अदरक जो है ना, इतना अदरक यूज़ किया है, मैं दिखाना भूल गई। और मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी तो अब दिखेगा भी नहीं। और पांच जो हैं क्लॉव्स जो होते हैं इसके लहसुन के वो डालें, ठीक है। आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालना चाहते हैं वो डालते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने ऐसे ही साबुत डाला है क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास था भी नहीं अभी, ठीक है। बाकी मैं इसमें दो टमाटर बड़े साइज़ के वो ऐड कर रही हूँ, और इसका हमें बनाना है पेस्ट। अच्छा गाइज, ये जो मैरिनेटेड चिकन थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, हसबे जायका मैंने नमक भी डाल दिया, इट्स अप टू यू आपको जितना डालना है। और एक टीस्पून, टेबल स्पून नहीं टीस्पून, मैंने इसके अंदर लाल मिर्च भी ऐड की है, क्योंकि मैंने उसमें ऐड नहीं किया था, सिर्फ मसाला ऐड किया था अचार गोश्त का मसाला, तो मैंने कहा जो हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइस पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर एक टीस्पून जो है वो भी की है। आप चाहें तो एक टेबल स्पून भी कर सकते हैं, क्योंकि अचार गोश्त मसाले में इतना ज़्यादा कोई मिर्चें तो होती नहीं हैं और हमें थोड़ा सा ज़्यादा पसंद होता है। तो बस अब मैं इस चिकन को करूँगी, और यहाँ मेरा पेस्ट रेडी हो गया है। ये मेरा पेस्ट है जिसके अंदर जो है अदरक लहसुन और टमाटर और साथ में जो मैंने प्याज तली थी वो मैंने इसको काट के इस तरीके से पेस्ट बना लिया। अब इसमें ऐड करूँगी और मैं आगे फर्दर क्या करती हूँ साथ रहिएगा। अच्छा गाइज, यहाँ मेरी चिकन जो है तकरीबन इसका जो मसाला है वो पक चुका है, मतलब इसमें जो कच्चापन था मसालों का वो मैंने भून लिया अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं अपने इसमें पेस्ट ऐड करूँगी। और ऑन द अदर साइड मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये जो है हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, यहाँ इस टाइप की ही हरी मिर्चें मिलती हैं, इसको मैंने बीच में से चाक कर लिया इस तरीके से। और इस चाक में जो ये मसाला मैं भरूँगी, इसमें जो है मैंने 1 टीस्पून जो है वो अचार गोश्त का मसाला लिया, और दही में इसको मिक्स कर लिया। ये मिर्चें मैं सबसे एंड में जब पूरा पक जाएगा सालन सिर्फ खुशबू के लिए ऊपर से रखूँगी, और थोड़ा सा दम दूँगी 5 मिनट का। अच्छा गाइज, मैंने इस तरीके से मिर्चें भर के रख ली हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं तो मैं सोच रही थी मैं 4 लूँ, लेकिन इतनी काफ़ी हैं क्योंकि सिर्फ मैं ही खाती हूँ, समीर तो ये खाएंगे नहीं, तो ये मैं ही खाऊंगी रोटी के साथ। और मैंने इसके अंदर फिलिंग कर ली है अचार गोश्त मसाले और दही की, और इसको मैं एंड में रखूँगी। यहाँ जो है वो मैंने अपना जो ग्रेवी थी वो ऐड कर ली है, अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, ठीक है। चलें अब इतनी देर में हम रोटी बनाते हैं और फिर फाइनल डिश के साथ मिलेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा खाना पसंद आता होगा, मैं भी सीखती हूँ जगह जगह से। सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स अ शफक डायरी, और आप मेरे प्यारे प्यारे लोग, दिस इज़ माई अचार गोश्त मसाला इज रेडी। आप चाहें तो ग्रेवी भी रख सकते हैं, मैंने खुश रखा है, और मैंने धनिया डाला है इसमें, धनिया डलता नहीं है लेकिन समीर मुझे पसंद है तो मैंने डाला है। सो मैंने कहा आपको क्लोजअप भी दिखाऊं मैं। सो मज़ेदार अचार गोश्त मसाला रेडी है, सही है, आप भी बनाएं खाएं दूसरों को भी खिलाएं, और शफक्स डायरी को याद रखें। मैं ऐसी एक एक रेसिपी जो है शेयर करती रहूँगी, बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं तो बहुत अच्छा खाना पक जाता है। मैं भी दूसरों को देख के ही पकाती हूँ, और जिसको मैं देखती हूँ फॉलो करती हूँ मैं उसका नाम ज़रूर लेती हूँ। तो थैंक यू फातिमा इतनी अच्छी रेसिपी देने के लिए। और आप इसका टेक्सचर चेक करें, इट्स एब्सोल्युटली डिलीशियस। तो बनाइएगा अचार गोश्त मसाला और याद रखिएगा मुझे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग मैंने बॉक्स बना लिए, मेरे पास बॉक्स रखा हुआ था, ये वॉलेट और ये सब चीज़ें जो हैं समीर का, ये हेडफोन्स हैं और ये चार्जर है लैपटॉप का, ये सब मैंने इस तरीके से इसमें कर दिया है ताकि एक ही जगह सिमटे रहें और पूरी टेबल ख़राब ना हो। इस तरीके से डब्बा मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है उसको, और ये जो जितने भी पेपर्स थे इसको मैंने इस तरीके से इसमें रख दिया है। लैपटॉप का बैग है और ये सब चीज़ें इजाज़त नहीं है छूने की, तो यहाँ रख देते हैं, यहीं पढ़ते रहते हैं ना तो यहीं जो है वो हो जाएगा। और यहाँ से मैंने सफाई कर दी है सारी जो है, डस्टिंग कर दी है, यही लैपटॉप और ये सब कंप्यूटर, ये बिल्कुल मुझे इजाज़त नहीं है इसको छूने की, इस टेबल को। यहाँ जो है वो अपने सारे पढ़ाई का डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब समीर ने ऐसे ही रखे हुए हैं, यहीं बैठ के पढ़ते हैं अपना सारा काम, तो
तो बस अभी ये समीर का जो रूम है वो मैंने मैनेज कर दिया है, बस अभी कपड़े वपड़े हैं यहाँ का ये सब मैनेज करके फिर इंशाल्लाह रूम दिखाती हूँ आपको। सो हियर इज द गाइस, ये हो गई है सारी सफाई, यहाँ की सफाई और झाड़ू लगा ली है, ये साफ कर लिया है। ये समीर के कपड़े मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि ये एक दिन सेकेंड डे तो चलाते हैं, फिर इसी को वापस से प्रेस कर लेती हूँ और ये स्टीमर है मेरा, इसी में करती हूँ। सो गैलरी है, अच्छा लगता है साफ सुथरा कमरा। तो बस अब ये है, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ, अब मैं करूँगी थोड़ा सा बेडरूम का वैक्यूम क्लीनर वगैरह,